नमस्कार, आज के वीडियो में हम इस सोप होल्डर को अपने बाथरूम में लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सोप होल्डर में इंस्टॉलेशन के लिए दो होल दिए गए हैं, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। आप इसे दीवार में इस तरह से कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे नीचे यहाँ पर कॉर्नर में इंस्टॉल करेंगे, या तो इस दीवार में या फिर इस दीवार में, जहाँ पर भी ठीक लगे और सुविधाजनक हो। इसे यहाँ नीचे लगाने के दो कारण हैं। एक तो बेसिन के नीचे होने से ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, और दूसरा हम नीचे बैठकर ही स्नान करते हैं तो सोप लेने या रखने में आसानी होगी। इसे लगाने के लिए हमें इस तरह के 1 से 1.5 इंच के दो स्क्रू चाहिए होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसे लगाने के लिए ड्रिल टाइल्स के ज्वाइंट पर किया जाए। इससे फायदा ये होगा कि ज्वाइंट पर ड्रिल करने में आसानी होगी, और अगर बाद में किसी भी कारण से सोप होल्डर को यहाँ से हटाना हो तो स्क्रू को निकालकर व्हाइट सीमेंट फिल कर देने से होल का पता भी नहीं चलेगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होगा 2 स्क्रू, 2 वॉल प्लग, ड्रिल बिट्स। मैंने यहाँ पे 2 ड्रिल बिट लिए हैं। पहले हम पतले वाले को ट्राई करेंगे, अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मोटे वाले को यूज करना पड़ेगा। 1 ड्रिल मशीन और 1 स्क्रू ड्राइवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेंसिल लेंगे और इसकी सहायता से सोप होल्डर को जहां फिक्स करना है वहां पर लगाकर होल के अंदर से दीवार पर मार्किंग कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इस मार्किंग से पता चल जाएगा कि हमें ड्रिल कहां करना है। तो हमने दोनों होल्स के लिए दीवार पर मार्किंग कर लिया है, एक यहां है और दूसरा यहां है। तो चलिए अब हम दोनों मार्किंग्स पर ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल हम स्क्रू के लंबाई से थोड़ा ज़्यादा करेंगे। हमने अपने दोनों ही मार्किंग के ऊपर ड्रिल कर लिया है। अब हमें दीवार में वॉल प्लग लगाना है, लेकिन वॉल प्लग के ऊपर जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे काट लेते हैं। अब ये वॉल प्लग दीवार में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक हथौड़े की सहायता से वॉल प्लग को दीवार के अंदर ठोक देंगे। हथौड़े का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, अगर ये टाइल्स के ऊपर लगा तो टाइल्स टूट भी सकता है। तो इस तरह से हमने दोनों ही छेद में वॉल प्लग को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सोप होल्डर को लगाकर स्क्रू कसेंगे। ये रहा हमारा पहला स्क्रू, इसे हम कस लेते हैं। अब हम दूसरे स्क्रू को भी कस लेंगे। अब हम दोनों स्क्रू को एक बड़े स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हमारा सोप होल्डर यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। इस तरह से फिटिंग करने से स्क्रू दीवार के साथ काफी अच्छी पकड़ बना लेता है। हम यहाँ कुछ लोड रख के भी दिखा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस टेक्निक को कई और फिटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।